हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो आप सब भी इसे यूज कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं जा रही थी दिखाने आप सबको, तो मेरा बेटा चीकू बोला कि मम्मा मुझे मैगी खाना है, तो बस उसके लिए मैगी यहाँ पे बना लेते हैं, तभी आप सबको दिखा पाएंगे, ना तो वो परेशान कर देगा। तो बस यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है एक गिलास, छोटा गिलास से, और यहाँ पे इंडक्शन चूल्हे पे मैं ऑन कर देती हूँ मैगी। इसे कभी कभी ना तबीयत ख़राब है इसका भी, और मेरा भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो इसे मैगी खाने का मन करता है। उसे सर्दी फीवर और बुखार होता है ना, तो चटपटा खाने का मन करता ही है, तो बस उसके लिए ही मैं बना रही हूँ यहाँ पे 2 पैकेट। मेरा भी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं मेरा किस किस तरह से मेरा हालत है, लेकिन मैं सोची कि आप वीडियो शेयर कर दूँ, तो मैं आज बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ। तो आप सब प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत से बनाती हूँ, थोड़ा सा देख कर आप सब चले जाते हैं तो अच्छी बात नहीं चीकू है। का चीकू को मैगी खाने का मन कर रहा है, ठंड के मौसम है ना, और चीकू आए हैं अभी। कहाँ से चीकू आए? तो फ्रेंड्स अभी चीकू आए हैं मैक्स को नीचे से लेकर के, नीचे गया हुआ था मैक्स बाथरूम, उसे नीचे ही जाना होता है। घर में कुछ भी हो जाएगा, मैं स्कूल में भी रहती हूँ ना, तो मेरा वेट करता है कि मम्मी आएगी तो लेके जाएगी। और देखिए मैक्स किधर गया बेटा, बांध दे दिया मैक्स को, बांध दो बेटा, घुस गया मैक्स। तो नीचे से अभी जस्ट आया है और इसे मैगी बनाने के लिए बोल के गया, तो मैं इसका मैगी चढ़ा दी हूँ, आप सबने देखा। मैं सर्दी से हालत खराब हो गया, तबीयत खराब हो चुका है पूरा, ये देखिए मैक्स को। और मैगी का हाल चाल देख लेते हैं, तो कहीं जल वल गया ना तो ये बोलेगा मम्मा क्या कर दी तुम। ये देखिए गर्मा गर्म ठंड के दिन में मैगी, मैं दिखाती हूँ आप सबको बैक कैमरा से इसका मैगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चीकू का मैगी बन रहा है, और इसे ना बिल्कुल प्लेन मैगी पसंद है, कुछ भी डाल देने से सब निकाल निकाल के फेंकने लगता है, क्योंकि बच्चे को ना कुछ वेजिटेबल्स नहीं पसंद आता है, जिस कारण से प्लेन मैगी ही बनाती हूँ इसके लिए, बस ऐसे ही खा हेलो लेता है। दोस्तों, आज मम्मा का कुछ सामान आया है, तो आज हम लोग जा रहे हैं उसी को अनबॉक्सिंग करने। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो बस आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ आप सबको दिखाऊं, जो कि मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे व्यूवर्स लोग पूछे थे, और मैंने भी सोचा कि जब मैं मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, और जब मैं कुछ भी यूज करती हूँ प्रोडक्ट या कुछ भी करती हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने एक मंगाया हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है, मैंने मंगाया है, इसे मैं अनबॉक्सिंग करके अभी आपको दिखाऊंगी है क्या, तो आप सब देखिए और मैं आगे दिखाती हूँ। तो मेरा हेयर के लिए बहुत लोगों ने पूछा था, तो मैंने हेयर का जो है पाउडर, जैसे कि सिका का, विंग्राज, ये सब मैंने शेयर किया हुआ है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना, ये वायल है, तेल है और शैम्पू है। तो बस मैं इसे दिखाती हूँ आप सबको, तो बने रहिए कि मैं क्या यूज करती हूँ फ्रेंड्स। तो आप सब जरूर देखिए ये वीडियो, आप सबके लिए बहुत यूजफुल होगा ये प्रोडक्ट, तो आप सभी मंगाएं। तो देखिए फर्स्ट देखिए है, दो इसमें है, ठीक है, दो मैंने मंगाया हुआ है, तो मैं आपको सबको दिखाती हूँ ये है क्या, और आप सभी यूज करें इसे। तो एक तो ये है, देखिए सत्यमियो लिखा हुआ, आंवला व्रिंगराज विथ बादाम रोगन हेयर ऑयल, ठीक है, ये बादाम रोगन हेयर ऑयल है, आप सब देखिए इसे, आंवला भृंगराज विथ बादाम रोगन हेयर ऑयल है, ये बहुत अच्छा है। और दूसरा ये, नहीं 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 बच्चे नहीं लगाते हैं। और ये है स्टेमियो आंवला भृंगराज विथ बादाम रोगन शैम्पू, ये है बादाम रोगन शैम्पू, ठीक है, ये शैम्पू है फॉर स्ट्रॉन्गर हेल्दियर लॉस्ट्रस हेयर, ठीक क्या है, सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप्स मैन एंड वुमेन, ये दोनों के लिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मैन भी यूज कर सकते हैं, वुमेन भी यूज कर सकते हैं। और इसका जो बेनिफिट है ना, आपको मैं बताती हूँ, जरूर देखिए आप सब इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए। बेनिफिट है, फर्स्ट हेल्प टू रिड्यूस हेयर फॉल, सेकेंड है रिड्यूस डेंड्रफ, ये डेंड्रफ इट मच मोर मैनेजेबल, ये बहुत ही बेनिफिशियल है ये जो शैम्पू है, ये दोनों के लिए है, जेंट्स के लिए भी है, लेडीज के लिए भी है, और इसका ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, आयुर्वेदिक है ये, स्टेमियो आंवला भृंगराज विथ तेल है, ये स्टेमियो आंवला भृंगराज विथ बादाम रोगन हेयर ऑयल है ये।
तो जो तेल है फ्रेंड्स, इसमें देखिए इस तरह से कैप है पहले से बंद किया हुआ है, ठीक है। और अब ये जो है ना, ये देखिए कितना अच्छा है, कितना इजी है ना, इस टाइप से इसको लगा देना है इसमें। पहले तो इसको खोलना होगा ना बच्चा, आप तो बिना खोले हुए लगा दिए हो। अच्छा आपसे नहीं खुलेगा, इसमें छेदा भी तो कर सकते है ना बेटी। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से इसमें लगा देना है। बच्चे थोड़ा लगाते हैं, पूछ करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने बाल को वाश किया हुआ है, तो अभी मैं वाश नहीं करूंगी बिकॉज बहुत ठंड किया हुआ है अभी। तो बस आप ये शैम्पू से बाल को अच्छी तरह से धो ले नॉर्मल वाटर में, जिस वाटर से आप धोते हो, गुनगुना हो या ठंडा हो, गहरा है आप सब देख सकते हैं। तो ये शैम्पू से पहले धोने के बाद शैम्पू से पहले धो लेना है, ठीक है। एस्टेमियो आमला फ्रिंगराइज शैम्पू इसे धो लेना है और धोने के अच्छा से। हाँ, स्कैल्प पे आसानी से लग रहा है, सोचिए आप देख सकते हैं। है ना ये जी, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। नहीं लगा, और सबसे लामा सा धरम कैसे हो गया, बाबा नुकसान कर गया। अच्छा से लगा ले, मैक्स को लगा दो। कितना आसान है फ्रेंड्स, है ना आसान। ये वाइल जरूर मंगाइएगा, ठीक है। स्टेमियो आमला व्रिंगराज विथ बादाम रोगन हेयर वाइल, दोस्तों बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये बाल नहीं झड़ने देता है। दोस्तों मैं वीडियो में एक पोस्ट डाल दूंगा इसका फोटो का, तो आप लोग उसे देख करके ऐसे ही चेंडो से मंगवा लीजिएगा। आप लोग इसे जरूर मंगवाइएगा दोस्तों, बहुत अच्छा होता है। मैं भी लगाया, बहुत स्मूदी ऐसे लगता है। मेरा बहुत बाल झड़ता था, लेकिन मैं जब से ये यूज कर रही हूँ ना, मेरा बाल झड़ना बंद हो चुका है। बहुत मेरा बाल ठंड में झड़ता था, लेकिन अभी एकदम ठीक हो चुका है, बिल्कुल भी बाल नहीं झड़ रहा है इससे लगाने के बाद से। तो आप सब भी इसे लगाए, 100% आयुर्वेदिक है, बहुत ही बेनिफिट। तब ये भी तेल लगा चुका है दोस्तों, तो मैं बस इसे चम्पी कर दे रही हूँ, अच्छा से चम्पी चम्पी करो इसका चिकू को। इसे तेल लगाने का शौक कर रहे हैं बेटा, मम्मा वाला कौन सा तेल, तेल का नाम बता दो। मम्मा वाला स्टेमियो स्टेमियो आमला व्रिंगराज हेयर वाइल, क्या स्टेमियो रुको, स्टेमियो आमला व्रिंगराज हेयर ऑयल, हाँ हेयर ऑयल मसाज कीजिए। दोस्तों मैं इसका पोस्ट डाल दूंगा और इसका नाम भी लिख के भेज दूंगा नीचे। गरम कैसे कर लिया बेटा, नहीं बता, कुछ दिनों पहले मेरा तबीयत खराब था, कल ही ठीक हुआ है। बहुत ज्यादा बीमार है चीकू, और मैं भी, मेरा भी आवाज से आप सबको पता चल रहा होगा किस तरह से आवाज आ रहा है। सो बहुत ज्यादा सर्दी खांसी हुआ है, तो मैं अभी वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सा मेरे फ्रेंड्स लोग का रिक्वेस्ट था कि आप कौन सा तेल लगाती हैं, शैम्पू लगाती हैं, तो मैंने पाउडर डाला हुआ है इसका, तो मैं सोची शैम्पू और तेल भी डाल दूंगी, क्योंकि मैंने अब जस्ट मंगाया हुआ था, नया नया प्रोडक्ट था। तो मैं सोची कि फिर खोल दूंगी, अनबॉक्सिंग कर दूंगी, तो फिर शेयर नहीं कर पाऊंगी, तो लेकिन फिर मैंने इसीलिए ऐड कर लिया अपना ना बेटा। और आप सभी ओरिजिनल सुनिए माँ बेटा का मस्ती, थोड़ा सा लड़ते हैं दोनों, आप सुनिए। फ्रेंड्स इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे यूज करिए अपने माथा पे, हेयर में पूरे लगाइए, ठीक है। और इसे मसाज कीजिए अच्छी तरह से, अपने फिंगर्स के द्वारा मसाज कीजिए, और इसके बाद इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, या फिर 1 आवर के लिए अपने हेयर पे छोड़ दीजिए यूज करके, और उसके बाद आप अच्छी तरह से इसे वॉश कर लीजिए। सप्ताह में 2 बार करना है इसे, ठीक है। वॉश विथ स्टेमियो आमला व्रिंगराज शैम्पू द नेक्स्ट मॉर्निंग, फॉलो इट ट्विस अ वीक, 1 वीक में 2 बार आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए एक बार यूज करके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये वेल।
तो इसका पूरा नाम है स्टेमियो आमला वृंगराज, और वैसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिस जहां से आप मंगाना चाहते हैं अमेजोन से या फिर जिस भी साइट से आप मंगाना चाहेंगे मैं वहां का लिंक आपको दे दूंगी, आप जरूर मंगाएं, यूज करें, और आपके लिए बेनिफिशियल हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ये तेल और शैम्पू। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं फिर मिलती हूँ अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय।